नमस्कार। आज के इस विशेष जूम सत्र में बीबीसी हिंदी और उर्दू सर्विस के कुछ दोस्त अपने वरिष्ठ सहयोगी बीबीसी प्रसारक आकाशवाणी और दूरदर्शन के चर्चित व्यक्तित्व श्री राज नारायण बिसारिया जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने और उनकी स्मृतियों और किस्सों में उन्हें याद करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। उनके परिवारजन भी इस मौके पर हमारे साथ हैं, हम उनके आभारी हैं और बिसारिया जी के अवसान की घड़ी में गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। आज ये विशेष श्रद्धांजलि हमारे सहयोगी विजय राणा प्रस्तुत करेंगे। संचालन उन्हें सौंपने से पहले मैं स्वयं बिसारिया जी को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा। उनके व्यक्तित्व की मधुरता और सदाशयता जहन में इस तरह बसी है जैसे कल की बात हो, पर बात 1988 की है, 34 साल पहले की। मैं नया नया बीबीसी में आया था। बुश हाउस की 5वीं मंजिल की दाहिनी तरफ एक बड़े कमरे में अधिकांश लोग बैठा करते थे। बिसारिया जी का कमरा अलग था, पर उस जमाने में एडिट सिस्टम था। हर एक को डिस्पैच, वार्ता या फीचर निकालने बड़े कमरे के बाहर रखे एडिट और प्रिंटर तक आना पड़ता। बिसारिया जी जब भी आते हलो हाय करने कमरे में भी आते। एक दिन मुस्कुराते वो मेरे टेबल के सामने आ गए और बोले, ललित भाई आपकी आवाज बहुत अच्छी है, आप हमारे फीचर में हिस्सा लीजिए, कल ट्रांसमिशन के बाद आकर मुझसे मटेरियल ले लीजिएगा। मेरे लिए जाहिर फख्र की बात थी। अभी एक महीने पहले तक इनके रूपक में वशीभूत होकर लखनऊ से सुनता था, अब उनमें हिस्सा लूंगा। अगले दिन प्रसारण के बाद जैसे ही उनके कमरे में दस्तक देकर दाखिल हुआ तो देखता हूं हिंदी और उर्दू सर्विस के बड़े बड़े धुरंधर ताश में डूबे हुए हैं। उर्दू सर्विस के यावर अब्बास और वकार अहमद के मुंह में शानदार पाइप है और हिंदी सर्विस के पुरुषोत्तम लाल पाहुआ के होठों पर घूमती हुई डनहिल इंटरनेशनल और फिराक साहब के शेर की पहली लाइन गुनगुना रही है, शाम भी थी धुआं धुआं। ये वो जमाना था जब सिगरेट पीने वालों को अछूतों की तरह बिल्डिंग के बाहर नहीं जाना होता था। धूम्रपान बुद्धिजीवियों की शान थी। इस महफिल में शफी नकी जामी के अलावा कभी कभार प्रसिद्ध अभिनेता सईद जाफरी भी दिख जाते। जाहिर है ये सभी जुवारी नहीं, मशहूर ब्रॉडकास्टर थे। ताश शाम की मस्ती लेने का अंदाज करता था। बहरहाल बिसारिया जी मुस्कुराए और पत्ते नीचे रखते हुए बोले, ललित भाई एक मिनट। साइड की ओर मुड़े, अपने फोल्डर से एक जन्म कुंडली नुमा प्रिंटआउट निकाला, 3 पेज फाड़े और तेजी से निगाह दौड़ाते हुए 3 जगह सीधी लाइन खींची और ललित लिखकर मुझे पकड़ाते हुए मुस्कुराकर बोले, इसे बोलचाल के अंदाज में ट्रांसलेट कर स्टूडियो आ जाइएगा, परसों रिकॉर्डिंग है। कमरे से निकलते हुए वकार साहब अपने खास अंदाज में दबी मुस्कुराहट के साथ बोले, अरे ललित हम भी लखनऊ से हैं, अच्छे खासे थे, पता नहीं क्यों पाकिस्तान चले गए। मैंने निशान लगाए हुए हिस्से ट्रांसलेट कर लिए और दूसरे दिन फोन पर पूछा, बिसारिया जी क्या स्क्रिप्ट लेने आऊं? अरे कल ही तो आप स्क्रिप्ट ले गए हैं, चिंता मत कीजिए, बस स्टूडियो आ जाइए। मैं सोचता रहा स्क्रिप्ट शायद वहीं जाकर मिलेगी। स्टूडियो पहुंचा, सुधा शर्मा, भारतेंदु विमल, शफी नकी जामई, हसमुख स्टूडियो मैनेजर जेरेमी लो से बतिया रहे थे। सबके हाथ में मेरी जैसी ही एक जन्म कुंडली थी। कुछ देर बिसारिया साहब स्पूल्स वाले टेप कुछ देर बाद बिसारिया साहब स्पूल्स वाले टेप लिए बिल्कुल रिलैक्स मुद्रा में इस तरह दाखिल हुए जैसे मिठाई के डिब्बे लेकर आ रहे हैं। इंटरव्यू के दौरान कई गलतियां हुई जिन्हें प्रसारण की भाषा में हम फ्लफ कहा करते। स्क्रिप्ट पे नाम पर बिसारिया जी के पास 2 A4 के पन्ने थे जिसमें कुछ लिंक लिखे थे और उनका नरेशन और प्रवाह सुनने लायक था। जब इस फीचर का प्रसारण हुआ तो उनके प्रभाव संगीत के तारतम्य आर्काइव की आवाजें माल की लगी। लगा जो रिकॉर्ड किया था ये वो नहीं, कोई दूसरा अद्भुत प्रसारण था। बिना कुछ बहुत लिखे रचना करना बिसारिया जी की खूबी थी। मुझे भारत के कालजयी लोकप्रिय फिल्मकार महबूब खान की याद आती है जो स्क्रिप्ट नहीं लिख पाते थे, पर उन्होंने
औरत, रोटी, अंदाज, अनमोल घड़ी और मदर इंडिया जैसी फिल्में बनाई। उनसे एक बार एक दम्भी पत्रकार ने पूछा, महबूब साहब आप दस्तखत नहीं कर पाते, बिना पटकथा के मदर इंडिया कैसे बना लेते हैं? महबूब खान का जवाब था, अच्छी फिल्म जरूरी नहीं कागज पर कलम से लिखी जाए, मैं अपनी फिल्म अपने जज्बात से दिमाग पर लिखता हूँ। विसारे जी की स्क्रिप्ट भी उनके अनुभवों से शायद जहन पर लिखी जाती थी। जाते जाते विराज साहब का वो शेर मैं पूरा विसारिया जी के लिए कहना चाहूंगा, शाम भी थी धुआं धुआं, शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास, दिल को कई कहानियां याद सिया के रहेंगी। धन्यवाद विजय जी। धन्यवाद ललित, और आप सबको मेरा नमस्कार। इस कार्यक्रम का संचालन करते हुए मन थोड़ा व्यथित है। लगभग 2 वर्ष के भीतर बीबीसी के हमारे 3 वरिष्ठ सहयोगियों का जाना किसे व्यथित न करेगा। कैलाश बुधवार और रजनी कौल के बाद आज हम अपने एक और वरिष्ठ साथी राजनारायण बिसारिया जी को श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। लेकिन बिसारिया जी के विनोदपूर्ण व्यक्तित्व को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम इस कार्यक्रम को शोक सभा के रूप में नहीं बल्कि राजनारायण बिसारिया के जीवन उत्सव के रूप में मनाएं। बिसारिया जी का जन्म 8 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के भिंड जिले में हुआ था। उनकी आरंभिक शिक्षा गुना और मुरैना जिलों में हुई थी। उच्च शिक्षा उन्होंने ग्वालियर से प्राप्त की थी। 1949 में उन्होंने लखनऊ में आयोजित एक अखिल भारतीय काव्य सम्मेलन में पहला स्थान प्राप्त किया था। दूसरा स्थान पाने वाले युवा कवि का नाम था गोपाल दास, जो आगे चलकर नीरज बने, और इसी काव्य सम्मेलन में उनकी भेंट एक और सहभागी से हुई थी और ये भेंट आजीवन मैत्री में भी बदल गई। उस सहभागी का नाम था कैलाश बुधवार। ग्वालियर में बिसारे जी ने श्री सदा बिहारी लाल वाजपेयी से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। वो अटल बिहारी वाजपेयी के बड़े भाई हुआ करते थे। वहीं से बिसारिया जी और अटल जी की दोस्ती शुरू हुई। दोनों हम उम्र थे और महत्वाकांक्षी युवा कवि भी थे। ये दोस्ती आजीवन बनी रही और जब अटल जी प्रधानमंत्री बने तो उनके आवास पर होने वाली कवि गोष्ठियों में बिसारिया जी की महत्वपूर्ण भूमिका हुआ करती थी। एक गोष्ठी का आमंत्रण उन्होंने मुझे भी दिया था, लेकिन अफसोस कि मैं शामिल नहीं हो सका क्योंकि अगले दिन मुझे लंदन के लिए वापस फ्लाइट लेनी थी। ग्वालियर से एमए की डिग्री लेने के बाद 1951 में बिसारिया जी पीएचडी करने इलाहाबाद विश्वविद्यालय गए, जहां उनके गाइड बने हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य की कर्मभूमि इलाहाबाद में वो हिंदी के महान कवियों के संपर्क में रहे, जिनमें निराला जी, महादेवी वर्मा, पंत जी, हरिवंश राय बच्चन जैसी विभूतियां शामिल थी। इलाहाबाद में ही वो रेडियो की दुनिया से भी जुड़े। उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो जयपुर में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के पद पर उनकी नियुक्ति हुई और उस प्रकार उन्होंने जयपुर से अपना कार्मिक और व्यावसायिक जीवन शुरू किया। बाद में दूरदर्शन में उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। उन्होंने श्री अरबिंदो की महान कृति सावित्री का हिंदी में अनुवाद और टेलीविजन रूपांतरण किया, सुब्रमण्यम भारती की तमिल कविताओं का अनुवाद और फिल्मांकन किया। मेरी उनसे पहली भेंट 1983 में हुई जब वो बीबीसी लंदन आए। सहज आत्मीयता के कारण वो एक तरह से हमारे परिवार के सदस्य बहुत जल्दी बन गए थे। उनके द्वारा प्रस्तुत बाल जगत कार्यक्रम को लोग आज भी याद करते हैं। उन्होंने जॉर्ज ऑरवेल की सुप्रसिद्ध कृति एनिमल फार्म का रेडियो रूपांतरण किया, जिसका शीर्षक था जानवरों का बाड़ा। बीबीसी लंदन में अपने 10 वर्ष बिताने के बाद बिसारिया जी स्वदेश लौट गए। उन्होंने दिल्ली में श्री काशीनाथ मेमानी द्वारा स्थापित परंपरा नामक अग्रणी साहित्यिक संस्था के संयोजन में उत्साही भूमिका निभाई। हिंदी में ऐसे लोग कम ही हैं जिन्होंने साहित्य लेखन, प्रसारण, फिल्मांकन और मंचन में इतनी सक्रिय भूमिका निभाई हो। यदि क्रिकेट की भाषा में कहें तो राजनारायण बिसारिया हिंदी के ऑलराउंडर थे। उनकी बहुत सी यादें हैं जिनका जिक्र हम आगे चल करके करेंगे, लेकिन अभी मैं आमंत्रित करना चाहूंगा
अचला शर्मा को, बीबीसी हिंदी सेवा की पूर्व अध्यक्ष। अचला जी, धन्यवाद विजय जी। विसारिया जी और मैं दोनों ही आकाशवाणी से अपनी यात्रा शुरू कर चुके थे, लेकिन मेरी कभी उनसे वहां मुलाकात नहीं रही, बल्कि यूं कहूं कि आकाशवाणी में हमारी राहें कभी एक दूसरे से नहीं मिली। हाँ, बीबीसी में आकर हिंदी सेवा में पहली बार मैं राज नारायण पिसारिया से मिली, और जो मुलाकात उनसे 80 के दशक में अंत में रही, जब वो काफी वक्त अपना बीबीसी में पूरा कर चुके थे और मैं वॉइस ऑफ अमेरिका से वापस बीबीसी आई थी, वो दिन मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है। मुझे काम के प्रति उनकी रचनात्मक ऊर्जा देखकर वाकई अचंभा होता था कि वो शख्स जो भारत में दूरदर्शन के डायरेक्टर के वरिष्ठ पद पर रहा हो, वो हम सब के साथ बराबरी से प्रोड्यूसर की हैसियत से खुशी खुशी काम कर रहा है। और एक बात और मुझे बहुत अचंभित करती थी कि उम्र के जिस दौर में आमतौर पर लोग कुछ नया करने से घबराते हैं, उस उम्र में राज नारायण पिसारिया ने बीबीसी हिंदी में आकर नए सिरे से एक प्रस्तुतकर्ता की हैसियत से फिर से काम शुरू किया, नए देश और नए माहौल में फिर से जीवन शुरू करने का हौसला रखा, और बिल्कुल इस तरह से कि वो एक नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं और उन्हें पीछे मुड़कर देखने की कोई जरूरत नहीं थी। हाँ, ये बात और है कि उनके उनका कवि मन लंदन में लंबे वक्त तक रम नहीं पाया, 10 साल बहुत थे उनके लिए, और बीबीसी से सेवानिवृत्त होने के बाद जब वो भारत लौटे तो मैंने कहीं एक उनकी कविता पढ़ी थी घर वापसी, जिसमें उन्होंने लिखा कि घर लौट के आया हूँ, यही घर है हमारा, परदेश बस गए तो तीर न मारा, ठंडी थी बर्फ की तरह नकली गर्म छतें, अब गुनगुनाती धूप का छप्पर है हमारा, जुड़ता बड़ा मुश्किल से था इंसान का रिश्ता, मौसम की बात से शुरू और खत्म भी सारा, सुविधाओं को खाए पिए ओढ़े भी तो कब तक, अपनों के बिना होता नहीं अपना गुजारा। बिसारिया जी को अगर कोई अजनबी देख ले तो वो ये सोचेगा कि ये बहुत ही कोई सरकारी अफसर है, देखने में बेहद औपचारिक परंपरागत पहरावा पहनते थे और उनके पास एक ब्रीफ केस रहता था, तो बिल्कुल एक सरकारी अफसर की सी छवि दिखाई देती थी। लेकिन हम लोग जानते हैं कि ब्रीफ केस उस जमाने में बीबीसी के बहुत से वरिष्ठ अधिकारियों का ट्रेडमार्क भी हुआ करता था और बहुत से और लोग भी लाने लगे थे। मगर एक खास बात जो मुझे याद है, बिसारिया जी और दूसरे लोगों के ब्रीफ केस में एक बहुत बड़ा अंतर हुआ करता था। बिसारिया जी का ब्रीफ केस मानो उनका अभिन्न अंग था, हर जगह साथ चलता था उनके। और जब तक मुझे ये बात मालूम नहीं थी तो एक दिन मैंने उन्हें ब्रीफ केस उठाकर चलते हुए देखा तो मैंने कहा क्या हुआ बिसारिया जी, आप घर जा रहे हैं? तो बोले नहीं, घर नहीं जा रहा, स्टूडियो जा रहा हूँ। तो ये बात बहुत बाद में चलकर समझ में आई कि जब तक उनके ब्रीफकेस में लंच का डिब्बा नहीं जाएगा तब तक आप ये ना समझ लें कि वो घर जा रहे हैं, क्योंकि वो स्टूडियो जाते थे तो स्क्रिप्ट ब्रीफकेस में रखते थे और तब जाते थे। तो बिसारिया जी की यूं तो बहुत सी यादें हो सकती हैं, लेकिन बीबीसी में जो उन्होंने अपनी रचनात्मक भूमिका निभाई उसका जिक्र करना चाहूंगी। जाहिर है बहुत से हमारे पुराने साथी और भी उनके कार्यक्रमों का जिक्र करेंगे, लेकिन मुझे खासतौर पर याद है उनका बाल जगत, जो बिसारिया जी के जमाने में बेहद लोकप्रिय रहा। उन्हें उन्होंने नया रूप दिया, उसके लिए वो गीत लिखते थे खासतौर पर, जो हमारी दूसरी सहयोगी ममता गुप्ता गाया भी करती थी और बहुत से बच्चे भी उसमें हिस्सा लेते थे, तो वाकई उन्होंने बाल जगत का सा उसको रूप दिया। और दूसरा, उन्होंने जो एक बहुत बड़ा काम किया था वो था जॉर्ज ऑरवेल के उपन्यास एनिमल फार्म का रूपांतरण किया हिंदी में और उसको श्रृंखलाबद्ध किया, और उसके बाद उस कार्यक्रम को करना अपने आप में तकनीकी रूप से बहुत चुनौतीपूर्ण था, लेकिन ये बिसारिया जी और हमारे स्टूडियो मैनेजर्स का कमाल था
कि वो बेहद सफल प्रोडक्शन बना। तो लेकिन मैं जो बिसारिया जी के बारे में एक और उनकी कविता का जिक्र करना चाहूंगी, जो बिल्कुल उनके व्यक्तित्व के अनुकूल है। जीवन के अंतिम दिनों में लिखी उनकी कविता थी झूठ सच। बिल्कुल आपको लगेगा कि एक शांत सभ्य सुसंस्कृत विनम्र व्यक्ति हैं, लेकिन उनका सेंस ऑफ ह्यूमर अब तक बरकरार है। तो बिसारिया जी को श्रद्धांजलि के रूप में उन्हीं की कविता झूठ सच की कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ। कहते हैं, अपने भीतर मुझे बुराई लगती है, उम्र 92 वर्ष चुराई लगती है। जिसे धधकती आग समझता था अपनी, जिसे धधकती आग समझता था अपनी, राख कभी की बुझाई बुझी बुझाई लगती है। मैंने बचपन से अपने को अपने दर्पण में पाया है, मैं अब वहां नहीं हूं, मेरी जगह किसी का कार्टून है। देख देख कर खूब हंसाई लगती है, अपने मन में मुझे बुराई लगती है, मुझे जिंदगी दूध मलाई लगती है। बिसारिया जी की कविता झूठ सच। धन्यवाद अशला जी। और आइए अब चलते हैं हम पाकिस्तान के शहर कराची, जहां हमारी उर्दू सेवा के सहयोगी शाहिद मलिक उपस्थित हैं। शाहिद भाई, बहुत अरसे बाद हमसे संपर्क हो रहा है आपका। शाहिद भाई, बताइए आपके संस्मरण क्या है बिसारिया जी के बारे में। जी, पहले तो मैं आई मस्ट ऑफर माई अपोलॉजीज फॉर द फैक्ट दैट आई हैव अ वेरी वीक इंटरनेट कनेक्शन। मैं ऑडियो पे तो बात कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं वीडियो ऑन करता हूँ तो मेरी आवाज आप सुन नहीं पाते। तो माय वोट वाज इन फेवर ऑफ यू नो ह्यूमन साउंड रादर देन वीडियो। सो वीडियो को स्विच ऑफ किया तो आवाज पहुंच रही है आप तक। देखें, उनमें उनकी जो खूबियां सब लोगों ने बताई हैं और इसके बाद भी बताएंगे, ब्रॉडकास्टर के तौर पे या इंटेलेक्चुअल थे, और पोइट्री उनकी वो एक खास, इट हैड ए स्टील ऑफ हिज ओन आइडेंटिटी। बट आई थिंक आई विल ऑलवेज रिमेम्बर हिम फॉर हिज ह्यूमिलिटी, विच वॉज चेयरफुल ह्यूमिलिटी। यू नो, वन ऑफ माई टीचर्स इन द यूनिवर्सिटी यूज टू से वी शुड ट्राई टू लिव, वी शुड ट्राई टू एक्सेप्ट लाइफ विद चेयरफुल ह्यूमिलिटी। बाय माई रेकनिंग मिस्टर बिसारिया was humility incarnate, but his humility, unlike many other people, was very cheerful. मैंने जब भी उनको देखा, आप मुस्कुराते हुए देखा, मुझे अभी पता चला है कि he was about my father's age, कोई 2 साल उनसे छोटे थे, लेकिन जब मिलते थे तो इस तरह मिलते थे जैसे अपने से बड़े के साथ मिल रहे हैं। कभी मुझे शर्मिंदगी थोड़ी सी होती थी, हमेशा मलिक साहब कह के बुलाते थे। अब एक दिन की आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूँ कि हम लोग 5th फ्लोर से मूव करके 7th फ्लोर पे आ गए, तो वहां बैठना शुरू किया। तो एक दिन बिसारिया जी, वही अपना सूट पहना हुआ, डबल ब्रेस्टेड, उसी तरह वेल ड्रेस्ड आदमी, उसी तरह उनकी जो फेमिलियर स्माइल वही चेहरे पे, और आके कहने लगे, मलिक साहब, सुरैया जी है ना, उन्होंने हमारा घर लिया था, अब उनका खत आ गया है। सो आई मीन आई एम ट्राइंग टू यू नो रिप्रोड्यूस, मैं एक्चुअलिटी आपको सुनाना चाह रहा हूँ। तो सुरैया जी ने हमारा घर लिया था, उनका खत आ गया है। आई थॉट दैट सुरैया हैड एग्रीड टू बाय हिज हाउस एंड नाउ शी इज परहैप्स पॉसिबली शी इज यू नो going back on her promise or trying to withdraw the offer, that kind of thing. I said, मैं कुछ समझा नहीं हूँ, उनका खत आया है आपको? कह लगे, नहीं, उनके नाम खत आया। Oh, I said, this means that Suraiya has bought your house, but she hasn't moved in as yet. And you have received a letter on your address in her name. कह लगे, बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैंने कहा कि आप ये लेटर मुझे दे जाएं, यू लीव दिस लेटर ऑन माय डेस्क एंड आई विल गिव इट टू सुरैया व्हेन शी कम्स टू द ऑफिस इन द आफ्टरनून। कहने लगे, अब जरा जवाब सुनिए, ये जवाब बिसारिया जी ही दे सकते हैं।
कहने लगे, मलिक साहब कहना यही चाह रहा था, हिम्मत नहीं हो रही थी. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड टू से और इंटेंडेड टू से, बट आई कुडंट मस्टर इनफ करेज. क्या आदमी था, किस किस बात का जिक्र किया जाए. बस जहां भी हैं बहुत खुश रहें, बहुत सुखी रहें, हमारे मन की आशा यही है, दिल से यही दुआ उनसे निकलती है. तो मैं आपसे आगे चाहूंगा, मैं शाहिद मलिक हूं लाहौर में. बहुत शुक्रिया, धन्यवाद. जी धन्यवाद शाहिद भाई, और बहुत अरसे बाद आपसे बात हो रही है ऐसे मौके पर. और वास्तव में बिसारिया साहब के साथ बैठकर के कभी ये नहीं लगता था कि हम उनसे उम्र में इतने छोटे हैं. वो हमेशा अपने बराबर का सम्मान हमें देते थे. हम सबकी खुशफहमी है कि हमने उनके साथ बहुत अच्छे क्षण बिताए. अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ ममता गुप्ता को, जो न केवल बिसारिया जी की यादें प्रस्तुत करेंगी बल्कि उनकी एक बहुचर्चित कविता भी आपको सुनाएगी. ममता जी, जब मैं बिसारिया जी के बारे में सोचती हूँ तो सबसे पहले उनका मुस्कुराता चेहरा याद आता है, फिर याद आता है उनके बोलने का अंदाज जिसमें मिठास के साथ साथ विनम्रता थी. मैंने कोई 4 साल उनके साथ बीबीसी में काम किया और कभी उन्हें ऊंची आवाज में बोलते नहीं सुना. तीसरी विशेषता ये थी कि वो कभी उत्तेजित नहीं होते थे, कभी अपना आपा नहीं खोते थे, हमेशा रिलैक्स दिखाई देते थे. इसी सिलसिले में एक किस्सा याद आता है. एक बार हमें किसी दावत में जाना था. मैं बिसारिया जी के घर के पास ही रहती थी, इसलिए उन्होंने कहा कि वो अपनी गाड़ी में मुझे साथ ले जाएंगे. बिसारिया जी और उनकी पत्नी पुष्पा जी आगे बैठे थे और मैं पीछे. हम लोग बातचीत करते हुए अपने गंतव्य की ओर बढ़े. मुझे तब लंदन की सड़कों की कोई खास पहचान नहीं थी, लेकिन हमें ड्राइव करते हुए काफी देर हो चुकी थी. आखिरकार पुष्पा जी ने कहा, ये रास्ता तो सही नहीं मालूम होता, आप कहाँ जा रहे हैं? बिसारिया जी ने अपने चिर परिचित अंदाज में कहा, घबराइए नहीं पुष्पा जी, हम पहुंच जाएंगे. उन दिनों न GPS हुआ करते थे और न मोबाइल फोन. सभी लोग लंदन का नक्शा कार में रखकर लेकर चलते थे. खैर, काफी देर तक लंदन की सड़कों पर भटकते हुए हम आखिर अपने गंतव्य पर पहुंच ही गए. बाद में पता चला कि बिसारिया जी को भी लंदन की सड़कों का बहुत अंदाजा नहीं है और वो अक्सर भटक जाया करते हैं. लेकिन इस बार अपने अंतिम गंतव्य तक पहुंचने में उन्होंने देर नहीं की. बिसारिया जी जहां भी हैं सबका मन बहला रहे होंगे. महफिल सजी होगी, किस्सा गोई हो रही होगी या फिर कविता पाठ. इसी बीच उनसे फरमाइश होगी कि अपनी वो कविता फिर सुनाए. विदा की घड़ी. विदा की घड़ी है कि ठप ठप ठपा ढप बहे जा रहे ढोल के स्वर पवन में. वधू भी जतन से सजाई हुई सी, लजाई हुई सी, पराई हुई सी खड़ी है सदन में. विदा की घड़ी है कि ढप ढप ठपा ढप बहे जा रहे ढोल के स्वर पवन में. वधू भी जतन से सजाई हुई सी, लजाई हुई सी, पराई हुई सी खड़ी है सदन में. कि घूंघट छुपाए हुए चांद को है न जग देख पाता, मगर लाज ऐसी कि पट ओठ में भी पलक न उठा पाते. हृदय में जिसे कल्पना ने बसाया नयन देखना चाहते हैं उसी को, मगर जो सदा ढुंग सी डोलती थी कि पट ओठ में भी लजाकर वही दृष्टि भू पर गड़ी थी. विदा की घड़ी है. विदा की घड़ी है सभी गांव भर की बड़ी भीड़ की भीड़ आकर जुटी है. रुंधे कंठ मंगल भरे गीत गाते धड़कते हृदय धीर धीरज बंधाते. कि गृहकाज के खुरदुरे से नरम हाथ ढक ढक ढपक ढक ढोलक बजाते. सहेली सखी घेर कर बैठ जाती, कभी हैं हंसाती कभी हैं रुलाती. निकट खींच चाची बुआ भाभियां अंक में भींच लेती. नए रीति व्यवहार की तीज त्योहार की सीख देती. निकट खींच
चाची बुआ भाभियां अंक में भीच लेती, नए रीति व्यवहार की तीज त्योहार की सीख देती। वयोवृद्ध ममता लुटी जा रही है, न कुछ बोल पाती। किसी की कुआरी सिसकती हुई हिचकियों के निकट मुंह नहीं खोल पाती। अधर पर वचन सांत्वना के उमड़ते, मगर अश्रु की बाढ़ में डूब जाते। कि नौका किसी की, किसी के सहारे, किसी दूसरे ही किनारे मुड़ी है। लुटी प्राण की गांठ की संपदा जब, तभी गांठ जाकर किसी की जुड़ी है। विदा की घड़ी है, विदा की। धन्यवाद ममता जी, ये थी बिसारिया जी की कविता ग्राम वधु की विदाई। And now I would like to invite David Page, who used to be the deputy head of Eastern Service. David, over to you. Thank you very much. Well, it's very good to be part of this memorial gathering today. I didn't know Bisaria G as well as many of you did, but I remember him very well as a sort of avuncular, smiling presence on the fifth floor. When one thinks of the Hindi service of those days, he was certainly one of the key people in it. And I'm very struck by what Shahid had said about him. He was, I think, a modest man, he brought that modesty to the Hindi service, that modesty which also helped him, I think, to share his great knowledge and his scholarship and his poetry and all his broadcasting skill. So one remembers him very fondly, I think, and I hope, I hope that his memory will be there in the annals of the Hindi service for many years to come. I know that William has also prepared a certain tribute to him, and I wasn't intending to say anything myself because I thought that he probably would have summed it up very well, but I certainly would like to join in the tributes to him. Thank you very much. Thank you, David. You talked about his broadcasting skills. And I remember one day, it was a Sunday, and we went, I was on my Hindi shift. For the benefit of others, I like to say in Hindi as well. So what happened was my daughter Aditi also arrived towards the end of the program. So Bisaria ji took her inside the studio, gave her a Hindi poem, बिल्ली बोली म्याऊ म्याऊ मुझे हुआ जुकाम, चूहे चाचा चूरन दे दो जल्दी हो आराम. So and we were told nothing about it. Aditi was about 6 years old at the time. And in the next week, when the program was broadcast, Aditi, it was placed in such a way that Aditi was talking to somebody who was a permanent character in Bal Jagat called Baiju Bhaiya. Baiju Bhaiya and Aditi were having very interesting interaction, which ended up Aditi, singing that poem in Bal Jagat. So, ab main bulana chahunga Bisara ji ke pasandida Baiju Bhaiya Parvez Alam ko. Parvez. Jitni baatein hui hain Bisariya sahab ke bare mein, main sochta hu thoda sa. जरा सा आगे लेके चलूं उन बातों को कि ह्यूमिलिटी का भी जिक्र किया था बार बार यहाँ पे. उनकी बड़ी खूबी ये थी कि वो आमतौर पे किसी का पहला जो नाम है वो भी लेके नहीं बुलाते थे उसको. तो ये जैसे मैं उनसे उम्र में बहुत छोटा था, तजुर्बे में बहुत ज्यादा छोटा था, लेकिन उसके बाद में मुझे हमेशा परवेज भाई कहते थे. परवेज भाई बहुत बार शुरू में बड़ा ऑड लगता था कि ये किस्सा क्या है, लेकिन एनीवे माफ कीजिएगा जरा फोन मेरा बजने लगा अचानक. सॉरी. तो ये बिसारिया साहब थे. खैर बहरहाल, जब मैं नया नया आया यहाँ पे 1988 की बात है, तो बिसारिया साहब ने मुझे कहते ना अपने विंग्स में ले लिया. एक तरह से मैं उनको अप्रेंटिस हो गया था
और इंटर्न की तरह से काम करता था, तो सबसे पहला मौका उनके साथ इंटर्नशिप का ये मिला कि पार्टी हो रही थी बीबीसी हिंदी सर्विस में, कोई आ रहा था या जा रहा था, जो भी किस्सा था, तो उन्होंने कहा कि परवेज भाई आज हम आपको एक अलग तरह की ट्रेनिंग देना चाहते हैं, वो ये है कि यहाँ पार्टी कैसे ऑर्गेनाइज होती है। तो मैं शायद उन खुशकिस्मत लोगों में हूँ जिनको बीबीसी अभी आए हुए जुमा जुमा चार दिन हुए थे और उनको पार्टी ऑर्गेनाइज करनी आ गई थी, इसलिए कि मैं जो दस्ते शफक्कत है अपने बिसारिया साहब का वो ऊपर था, तो पहली फुर्सत में वो मुझे लेके गए ये जो ह्यूस्टन पे, ये जो एक इंडियन मार्केट है ना, रविशंकर रेस्टोरेंट भी है वहाँ पे, गुप्ता जी के समोसे उन्हें बहुत पसंद थे और नाम ही ये था कि गुप्ता जी के समोसे, इसलिए कि वो आमतौर पे जो गुजराती समोसा मिलता है वो हम लोग खाते नहीं है यहाँ पे जो नॉर्थ इंडिया से आने वाले हैं, और वो उनके यहाँ वो पंजाबी जिसको समोसा कहते हैं वो मिलता था। तो वो मेरे ख्याल से एक हफ्ते के अंदर ही मेरी समझ में बात ये आ गई थी कि समोसा लंदन में कितने का मिलता है, बेहतरीन समोसा कहाँ मिलता है, बेहतरीन मिठाई कहाँ मिलती है, शराब नीचे से ऊपर ले जाती है पार्टी के लिए, फिर उसके बाद में ग्लासों को ऑर्गेनाइज करके इकट्ठा करके नीचे बीबीसी क्लब में ले जाना होता है। ये एक आध हफ्ते के अंदर ये सब बीबीसी में बिसारिया साहब के साए में ये सब सीखने का मौका मिला। खैर, दूसरी एक जो मेरे साथ में जो बड़े प्यार की सी उनकी बात थी, मैं अभी इंडिया में जो कुछ साल पहले तो उनका फोन आया कि लंच करते हैं साथ, तो रेस कोर्स स्टेडियम तो खैर पहले कहते थे, लेकिन जो रेस कोर्स रोड है एक्चुअली जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर्स रेजिडेंस भी है, वहीं पे डिफेंस कैंटीन भी है, तो बिसारिया साहब वहाँ मुझे लेके बड़े प्यार के साथ में खाने खिलाने लेके गए डिफेंस में, और थाली मंगा के एक एक चीज़ के बारे में बात करते हुए, पीबीसी के बारे में जाना, लंदन के बारे में जाना, क्या कर रहे हो, क्या चीजें, जो ये कहते ना जी पुरानी वजह के लोग होते थे, वो ऐसा नहीं है कि वो किसी एक खास काम से आपसे मिल रहे हैं या कोई खास उनको कुछ जानना है, बल्कि ऐसा लगता था जैसे उनके एजेंडा पे पूरी दुनिया है, एक एक करके नाम लेके पूछते थे, अच्छा विजय राणा के क्या हाल है, उनके क्या हाल है, इनके क्या हाल है, और मैं बहुत बार हैरत उनको देख रहा था कि शायद कोई खास बात जानना चाहते हैं, नहीं कोई खास बात नहीं जानना चाह रहे, वो हर एक का हाल जानना चाह रहे हैं। तो ये हैं राज नारायण बिसारिया, प्रसार भारती के मेंबर हो गए थे क्योंकि मैं ऑल इंडिया रेडियो कनेक्शन से आया था, तो इस हवाले से कभी हमारी अक्सर फोन पे कुछ बात होती थी, और सबसे जो दो तीन चीजें मुझे याद आती हैं वो ये है कि तभी बीबीसी की एक कुछ एनिवर्सरी के सिलसिले में एक फंक्शन हो रहा था रेडियो शो, और ये अल्स कोर्ट पर हुआ था। अब ये बीबीसी हिंदी सर्विस का शायद सबसे बड़ा स्टेज का प्रोग्राम था, और मुझे याद है कि राज नारायण बिसारिया अगर ना होती तो वो प्रोग्राम ऐसा हो नहीं सकता था, इसलिए कि राज नारायण बिसारिया टेलीविजन के बैकड्रॉप से भी आ रहे थे। तो मुझे याद है मेरे सामने जब डिस्कशंस होते थे उनके कैलाश बुधवार के साथ में, तो वो बताते कि देखिए वीडियो वॉल बनाएंगे, ऐसा करेंगे, ये करेंगे, और मुझे याद है उसी का एक हिस्सा ये था कि जल तरंग जैसी चीज जो लंदन में शायद ही कभी किसी ने देखी हो, जल तरंग के एक आर्टिस्ट को उन्होंने बुलवाया से वहां से। तो ये एक बड़ी दिलचस्प बात थी। ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिस्ट घासीराम निर्मल मुझे याद है वो आए थे, और बहुत प्यार के साथ में, सॉरी ये कुछ पता नहीं क्या, हाँ, तो ये रेडियो शो में राजनारायण बिसारिया साहब का एक इमेंस कंट्रीब्यूशन था। आखिर में मैं उस तरफ आना चाहता हूँ जिसका बार बार जिक्र किया लोगों ने, बाल जगत प्रोग्राम जो बच्चों का प्रोग्राम था, उसकी छोटी सी कहानी यह है कि जो बीबीसी उर्दू सर्विस का प्रोग्राम था शाहीन क्लब, वो बिनतहा मकबूल था, और उसमें सिद्धू भाई होते थे, उसमें तरह तरह के किरदार होते थे, रजा अली आब्दी साहब करते थे, एक अरसे से चला आ रहा था। तो बाल जगत जब ये बिसारिया साहब ने संभाला, इत्तेफाक से तब मैं आ गया था, तो बिसारिया साहब ने कहा भाई इस पे कोई कैरेक्टर मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ रेगुलर बेसिस पे, तो उनकी नज़र मुझ पर पड़ी, और फिर तय हुआ क्योंकि मुझे ब्रज भाषा बहुत रवानी से बोलनी आती थी, ये वो जबान है जो आगरा में, मथुरा में, अलीगढ़ में बोली जाती है, तो सब उन्होंने इस तरह से वो मेरा एक कैरेक्टर बनाया बैजू भैया का, और उसमें मैं ब्रज बोलता था। सबसे अच्छी बात ये थी, अभी ललित ने इशारा किया, बहुत लोगों ने इशारा ही किया, मैं थोड़ा सा और बाजे कर देता हूँ, वो ये है कि वो उनका हैंडराइटिंग और उनका स्क्रिप्ट बस अल्लाह अल्लाह या तो बिसारिया साहब पढ़ते थे या और किसी की समझ में उसका आना बड़ा मुश्किल था, और बहुत बार ऐसा था कि वो कुछ एक लिख दिया करते थे और अब आप एज्यूम कर लीजिए कि वो क्या सेंटेंस है, अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना तो आप अपनी तरफ से इम्प्रोवाइज कर लीजिए। तो बहुत मजा आता था उनके साथ इम्प्रोवाइज करने में, यही वजह है कि बाल जगत जैसा प्रोग्राम उनके साथ मिलके जब मैं करता था तो मुझे पूरा इम्प्रोवाइजेशन का मौका मिलता था। वो कैरेक्टर वाकई बड़ा पॉपुलर हुआ, कई साल रहा, और हकीकत यह है कि जो सुनने वाले थे उनको कतई तौर पर इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो किरदार करता कौन है।
और यही वजह है कि जब ये फोटो एक आपने देखा होगा, मैंने ललित मोहन जोशी को भेजा था जो फेसबुक पे लगा भी है, तो उसमें क्या है कि उसमें मैं बैजू भैया बना हुआ हूँ और ये बिसारिया साहब के लिए भी सरप्राइज था, इसलिए कि बैजू भैया को उन्होंने इस हुलिये में नहीं देखा था। मेरा सजेशन ये था कि जब आप फोटो खिंचवा रहे हो ये दिखाना चाहते हैं बैजू भैया, और अब तक आपने राज रखा है कि बैजू भैया कौन है आप अंदाजा लगाइए, किसी को नहीं पता था कि परवेज आलम बैजू भैया है। तो मैंने कहा फिर ये ग्रुप फोटो में अगर मेरा फोटो ऐसा आ जाएगा तो सब लोग पहचान लेंगे, तो इसलिए वो बेकअप वेकअप करके वो फोटो खींचा था। आखिरी बात बस 30 सेकंड, वो ये है कि एक बड़ा खास अंदाज था बिसारिया साहब का रिकॉर्डिंग के दौरान, वो ये था कि जब फ्लफ या कोई एडिट की जरूरत होती थी जहाँ पे हम लोगों को दोबारा कहना होता तो वो कहते फाइनल उसके बाद फिर एक और फ्लफ होता था, उसके बाद भी कहते थे फाइनली फाइनल, फिर उसके बाद में तीसरा फ्लफ होता था, हम सबसे भाई 5 लोग हैं 6 लोग हैं तो कोई ना कोई किसी न किसी से गड़बड़ होगी, तो फिर कहते फाइनली फाइनली फाइनल फाइनली 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 फाइनल, और जब ये सिलसिला चल रहा होता था स्टूडियो में सब लोग हंस के लोटपोट होते थे और जर्मी लो मुझे याद है अच्छी तरह से वो हंसते थे, और बहुत बार हमने उनको मशवरा दिया कि इसमें कुछ ऐसा डिसाइड कर लीजिए कि फाइनल नंबर 1 फाइनल 2 फाइनल 3 फाइनल 4, लेकिन उनको एक सेंस ऑफ ह्यूमर उनका बहुत दिलचस्प था, वो कहते नहीं इसमें जो मजा है इसमें जो कंफ्यूजन है उसकी बात कुछ और है। तो ये दो बातें थी, एक तो इम्प्रोवाइजेशन के बड़े पक्के आदमी थे, मतलब ये कि करो भाई अपने हिसाब से कुछ भी, दूसरी बात ये कि थोड़ा बहुत एक यू नो परफेक्ट ना हो किसी भी चीज की प्लानिंग, मतलब थोड़ा सा क्योस भी जरूरी है और उस क्योस में से चीजें निकल के आती थी। तो ये राजनारायण बिसारिया थे और बहुत प्यारे इंसान, बहुत मोहब्बत से पेश आते थे। शायद मलिक साहब ने अभी बिल्कुल सही बात कही कि वो जो विनम्रता जो ह्यूमिलिटी जो इंकसारी उनके वजूद में थी वो शायद ही आसपास कहीं ऐसी चीज मिजाज की कहीं और देखने को मिले। तो राजनारायण बिसारिया साहब आपको हम सब बहुत मोहब्बत से याद करते हैं और आपकी वो बातें आज भी बहुत सी मुस्कुराने पर मजबूर करती हैं जो आपके साथ में हमारे साथ में घटी हैं, और मुझे यकीन है कि आप जहाँ भी हैं बहुत खुश होंगे और खैरियत से होंगे। धन्यवाद परवेज बिसारे जी की मधुर यादों के लिए। अब मैं बुलाना चाहूँगा रमा पांडे को, जो कार्यक्रम में तो उपस्थित नहीं है लेकिन उन्होंने अपनी एक वीडियो रिकॉर्डिंग भेजी है। जब तक ललित जोशी उस रिकॉर्डिंग को सेटअप करते हैं मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। बिसारे जी की एक बहुत बड़ी खूबी ये थी परसुएसिवनेस, और उन्होंने एक ऐसा काम किया, मुझे उस समय कुछ दूरदर्शन के लिए डॉक्यूमेंट्री बनाने का मौका मिलता था, कि उन्होंने भारत के सबसे तुनक मिजाज पेंटर MF हुसैन, जिनके बारे में कोई भी बात निश्चित रूप से नहीं कही जा सकती थी, वो आज यहाँ है कल कहीं होंगे, उनको डॉक्यूमेंट्री फिल्मिंग के लिए उन्होंने मना लिया। सबको ये आश्चर्य होता था हिंदुस्तान में सारे कला जगत को ये आश्चर्य है, MF हुसैन आपसे फिल्मिंग के लिए कैसे तैयार हो गए। उन्होंने मनाया ही नहीं, बड़ी मजेदार चीज है वो, उनको हुसैन साहब को ऐसी ऐसी जगह ले गए, उन्हें भुट्टा खिलाने के लिए वो यहाँ वेम्बली मार्केट ले गए, उनसे पतंगबाजी कराने के लिए वो रीजेंट्स पार्क ले गए। तो हम लोगों के लिए बड़ा सुखद अनुभव था कि हिंदुस्तान के महान पेंटर के साथ वो वक्त बिताने का मौका मिला, और वो काम जो भारत में कभी किसी वो फिल्मिंग के लिए तैयार नहीं होते थे हुसैन साहब, तो जो काम भारत में कोई नहीं करा सका वो बिसारा जी ने MF हुसैन से कराया। और अफसोस की बात यह है कि दूरदर्शन के अधिकारियों के अपने अपने तौर तरीके होते हैं, बाद में उन्होंने वो फिल्म उनकी हठधर्मिता के कारण पूरी नहीं हो सकी, लेकिन हम सब के लिए बड़ा सुखद क्षण था। और हुसैन हम मुझे और बिसारा जी को एक छोटा सा हाथ का स्केच बनाकर भी दे गए जो आज तक हमारे घरों में लगा हुआ है। तो हुसैन को मना लेना अपने आप में यदि किसी के बस में था तो बिसारिया जी के बस में था। उधर मुंबई में हमारे सहयोगी भारतेंदु विमल उपस्थित हैं, विमल आजकल मुंबई में रहते हैं। विमल जी आपकी यादें बिसारिया जी के बारे में। मैं अभी बिल्कुल इस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि संबंध हम सबके ही उनके साथ जिन्होंने भी काम किया अच्छे ही थे, मधुर थे। और जब आप सबको मैं सुन रहा था यहाँ बैठा हुआ तो जैसे मेरी आंखों के सामने एक फिल्म जैसी चल रही थी,
क्योंकि कुल मिला जुलाकर बीबीसी से मेरा संबंध तकरीबन 25 साल का रहा और वही समय था 1982 में मैंने शुरू किया था और उसी के आसपास बिसारिया जी भी पहुंचे थे, हमसे वरिष्ठ थे। जितने कार्यक्रमों के आपने नाम लिए, चाहे वो रूपक हो, चाहे वो एनिमल फार्म उनका प्ले था या बाल जगत था, इन सभी कार्यक्रमों में मैं उनके साथ रहा, काफी समय तक साथ रहा। और उसके अलावा कुछ थोड़ी सी निकटता और जरा अलग हटके भी हो गई थी, क्योंकि एक समय ऐसा था कि जब मैं घूमते फिरते बेजल्टन पहुंचा था और मुझे वो जगह पसंद आ गई और मकान सस्ते थे तो मैंने एक ले लिया वहां मकान। और उसके बाद बीबीसी में मैंने कहा कि भाई मकान जो लोग लेना चाहते हैं वहां सस्ते मिल रहे हैं। और उस समय में ऐसा था कि मेरा ख्याल है 30 मील के अंदर अंदर अगर आप रह रहे हैं तो रात की ड्यूटी की टैक्सी मिल जाया करती, तो वो तकरीबन बिल्कुल उसी सीमा के अंदर आ जाता था। तो बिसारिया जी ने, फिर पंकज सिंह जी ने, उधर लोरेन ने, कई लोगों ने बेजल्टन की तरफ अपना रुख किया और वहां मकान ले लिए। और जहां बिसारिया जी ने लिया था वो मेरे से बिल्कुल तकरीबन सामने ही था कि अगर मैं जोर से आवाज लगाऊं तो उनके घर तक पहुंच जाए। काफी संपर्क रहा, घूमने फिरने का भी, घर पर आने जाने का भी, काम का भी। और अब जब सोचता हूँ कि धीरे धीरे हमारे जितने वरिष्ठ लोग थे एक के बाद एक करके देखते देखते काफी चले गए हमसे दूर कभी न लौट के आने के लिए, तो तकलीफ होती है। और उसी कड़ी में बिसारिया जी का भी अब नाम जुड़ गया, मन भारी है आप सबको सुन करके, आप सबकी यादें ताज़ा थीं उनको सुन करके, आपके जो संस्मरण थे, जो उनके साथ बीते हुए पल थे, उनकी कहानियां जानकर, और खास तौर से उनकी कविताएं जो मैंने पहले शायद ही सुनी, आज पहली बार सुन के बहुत अच्छा लगा, भाव विभोर हूँ। और फिर वही बात, यादें आंखों के सामने तैर रही हैं, मैं बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहूँगा, बस आप सबके साथ मैं भी उपस्थित हूँ और मेरी उनको सच्चे दिल से, तहे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, उनकी आत्मा को शांति और सद्गति मिले, यही मेरी प्रार्थना है परमात्मा से। धन्यवाद भारतेंदु विमल। हमारे एक और सहयोगी दीपक त्रिपाठी, जो किसी कारणवश इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो सके हैं, उन्होंने अपना संदेश भेजा है और उस संदेश को पढ़कर सुना रहे हैं शिवकांत। I regret that due to unavoidable circumstances, I cannot attend this remembrance event for my good friend and colleague, Raj Narayan Bisaria. He came to the BBC World Service at Bush House at a late stage in his long career. In All India Radio, where he had a number of senior executive positions, he was a mature, genial person with a relaxed manner and pleasant temperament. At a time when the service had many young people, Raj Narayan Bisaria had a calming influence. A veteran of broadcasting, Bisaria could handle all kinds of radio programs, from current affairs to music to children's programs. As far as I can remember, he was never daunted to tackle any program he was asked to produce. And he was a competent interviewer. Having come to the BBC from All India Radio, Bisaria was an important link between Indian and British broadcasting. After retirement from the BBC, he returned to India, where he remained active. I mourn an old colleague and a good friend, Raj Narayan Bisaria. May he rest in peace.
दीपक त्रिपाठी। ये था दीपक त्रिपाठी का संदेश, इसे सुना रहे थे शिवकांत। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे एक और सहयोगी जो विसारी जी के साथ उन्होंने दिल्ली में भी काम किया दूरदर्शन में, और यहाँ लंदन में भी उन्होंने काम किया। दिल्ली से है अब हमारे साथ धीरंजन मालवे। मालवे जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल, आपकी आवाज मिल रही है। मेरी आवाज आपको मिल रही है? हाँ, सुन सकता हूँ, देख सकता हूँ। मैं लंदन बीबीसी में लगभग 3.5 वर्षों तक था, और उस दौरान मैंने बिसारिया जी का केवल जो प्रसारक वाला रूप था और एक अच्छे इंसान वाला रूप था, एक हमेशा प्रसन्न रहने वाले इंसान वाला रूप था और कभी भी तनाव में नहीं आने वाले इंसान वाला जो रूप था वो देखा। लेकिन उनके व्यक्तित्व के और भी कई पहलू थे, वो बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा वाले व्यक्ति थे, और उनके व्यक्तित्व के अन्य कई पहलुओं से मेरा जो साक्षात्कार हुआ वो तब हुआ जब मैं दिल्ली वापस आ गया था। और एक दौर ऐसा था जबकि बिसारिया जी 6 वर्षों के लिए प्रसार भारती बोर्ड के सदस्य चुने गए थे। प्रसार भारती बोर्ड जो है वो प्रसार भारती जो कि ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन की शीर्ष बॉडी है, एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, उसके वो जो शीर्षस्थ लोग थे उसमें से एक थे, और जो बोर्ड था सारे जो निर्णय थे करने के अधिकार थे वो बोर्ड के पास ही थे। तो उस अत्यंत ताकतवर जो बोर्ड जो बॉडी थी उसमें वो थे, और मैं वो जो बोर्ड था मैं उस बोर्ड का विशेष कार्य अधिकारी था, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी था, और इस लिहाज से मुझे उनके साथ बहुत ही करीब में काम करने का मौका मिला। मैंने देखा कि बिसारिया जी का उस बोर्ड में आना एक बहुत ही एक अच्छी घटना थी, एक सुखद घटना थी, क्योंकि उनके पहले आज तक कोई भी ऐसा आदमी बोर्ड में नहीं आया था जिसको के प्रसारण का सीधा अनुभव हो, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो। और बिसारिया जी की तो विशेषता यह थी कि उन्हें ऑल इंडिया रेडियो का ज्ञान था, दूरदर्शन का ज्ञान था, और साथ ही साथ जो बीबीसी है बीबीसी का भी उनके पास विशद अनुभव था। तो इतने सारे अनुभवों के साथ साथ और साथ ही साथ एक अच्छे कवि, एक अच्छे साहित्यकार के रूप में वो जब बोर्ड में आए तो बोर्ड में एक आप कह सकते हैं कि एक नया माहौल पैदा हुआ, और बोर्ड में पहली बार ऐसा हुआ कि प्रोग्राम को लेकर के भी चर्चा होने लग गई। प्रायः यह होता था कि बहुत सारे जो मैनेजमेंट के एस्पेक्ट हैं उनकी तो चर्चा होती थी काफी कुछ, लेकिन जो कि असली चीज है किसी भी प्रसारण संस्था के लिए वो है प्रोग्राम का कंटेंट, प्रोग्राम की गुणवत्ता। इस पर जो बातचीत शुरू हुई वो पहली बार बोर्ड में शुरू हुई जब बिसारिया जी आए, और बिसारिया जी का ही एक प्रकार से कहें कि प्रयत्न था कि एक नए दौर की शुरुआत हुई थी दूरदर्शन में, और वो दौर ये था, एक बहुत अच्छा आइडिया वो लेकर के आए कि जितने भी इमोर्टल क्लासिक्स हैं, चाहे वो हिंदी के हों, चाहे वो तमिल के हों, तेलुगु के हों, संस्कृत के हों, उन सभी का चयन किया जाए और उन सभी पर 6-6 एपिसोड के, 7-7 एपिसोड के, जितने एपिसोड बन सकते हैं उतने का प्रोग्राम तैयार किया जाए, ताकि हिंदुस्तान की किसी भी भाषा में जितने भी क्लासिक्स हों उसकी जो जानकारी है उसके बारे में, जो तमिल के जो क्लासिक्स हैं वो पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश के लोग जान जाएं, जो हिंदी क्षेत्र के जो क्लासिक्स हैं उनकी जानकारी जो दक्षिण भारतीय लोग हैं उन तक हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ा काम था प्रसारण के क्षेत्र में और देश को भावनात्मक रूप से जोड़ने के क्षेत्र में, और ये बिसारिया जी की ही देन है, और जो 6 वर्षों तक वो रहे उसमें इन्होंने इस काम को बखूबी अंजाम दिया, और उनमें एक प्रकार से इस काम को अंजाम देने के लिए जो उत्साह उनके अंदर था वो बिल्कुल एक युवकों वाला उत्साह था। वो कभी जलंधर भागते हुए जाते थे, कभी वो बेंगलोर में नजर आते थे, कभी वो बॉम्बे में होते थे। उसको उन्होंने एक मिशन मोड में लिया था और उसको उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से अंजाम दिया। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। एक बात और मैं कहूंगा कि बोर्ड में वैसे काफी क्षण आए
उनके कार्यकाल के दौरान, जबकि स्थिति बड़ी तनावपूर्ण हो जाती थी, और उसमें उस तनावपूर्ण स्थिति में बिसारिया जी एक प्रकार से एक सेतु का काम करते थे, और जो दो पक्ष होते थे जिनके बीच किसी तरह का विवाद होता था उसका एक शांतिपूर्ण समाधान ढूंढने की कोशिश करते थे। तो उनका जो 6 वर्षों का कार्यकाल रहा प्रसार भारती बोर्ड में, वो सचमुच में उनकी उनका जो योगदान रहा वो बहुत महत्वपूर्ण रहा और वो हमेशा याद किया जाएगा। जी धन्यवाद। धन्यवाद धीरंजन मालवे। और इसके बाद मैं हमारे ईस्टर्न सर्विस के एक और खासतौर से टॉक्स एंड कमेंट्स यूनिट थी उसके प्रमुख थे निक न्यूजेंट, उन्होंने अपना संदेश भेजा है बिसारिया जी के बारे में, और उसको पढ़ करके आपको सुना रहे हैं ललित जोशी। ये जो मैसेज फेसबुक में जो हमारी पोस्ट थी उसको निक न्यूजेंट ने देखा, क्योंकि वो हमारे फेसबुक मित्र हैं, तो उन्होंने मैसेंजर में एक छोटा सा बहुत ही मैं कहूँगा प्यारा और बड़ा आत्मीय नोट उन्होंने भेजा, और मैं इसको पढ़ के सुनाता हूँ। उन्होंने लिखा, ललित, आई डिड नॉट नो मिस्टर बिसारिया वेल बट हैव फोन्ड मेमोरीज ऑफ हिम कमिंग टू मी विथ क्वेरीज when I was on weekend duty or briefly acting for the Hindi PO. His questions were always wise and thoughtful, even profound, giving an impression of a clever and well-read person. So it comes as no surprise to learn he was a poet, a man of distinction, perhaps even an intellectual. A description we don't like to use in journalism. I don't believe we ever met after we moved on to other lives, but your posting his picture reminds me of those days and of a man that I had come to respect. I'm happy to have known him. Our acquaintance was slight but deep. Nicholas Nugent. Thank you. Thank you. This was Nick Nugent's tribute to Rajnarayan Bisaria. We've also got a message from our former head of BBC Eastern Service, William Crawley, and I would like to read it now. Rajnarayan Bisaria was a valued colleague on the staff of the BBC Hindi Service in the 1980s, at a time when the service had an audience larger than most other BBC radio services, and when its impact was at its greatest. He was experienced both in radio and television, and had been a senior executive of All India Radio and Doordarshan. His calm and unflappable nature, along with his cultural liberal-mindedness and measured and responsible judgment, made him well-suited to working within the often very different working practices and traditions of the BBC. He was well disposed to the BBC, both during his time in London and after his return to India, when he concentrated on his creative work. Like some other distinguished members of the Hindi service, he was a writer and a poet who leaves more than one collection of his poems and other published works. I remember meeting him in Delhi on a number of occasions, perhaps at one of the gatherings of former BBC staff in Delhi, who were brought together every year by Avtar Singh Marwaha. I send my sympathies to his family on their sad loss, and my gratitude to his contribution to the BBC during my time in the Eastern Service. William Crawley, former head of BBC Eastern Service. So this was the message from William Crawley. Now, our colleague Ghazala Amin has not been able to be present in this program, और उन्होंने भी हमें अपना एक वीडियो संदेश भेजा है। ललित जोशी, क्या आप प्ले करने की स्थिति में हैं? नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सभी से माफी मांगना चाहूंगी कि मैं श्रद्धांजलि
गुरु थे, खासतौर से हिंदी ब्रॉडकास्टिंग के लिए हमेशा मानती हूँ. I was very close to him. मुझे याद है कि 1984 में जब मैं पूछा उस पहुंची थी लंदन में बीबीसी के दफ्तर, तो वहां पर मेरा उनसे परिचय हुआ था. और शुरू में मैंने जब काम करना शुरू किया था तो मैंने प्रोग्राम में हिस्सा लेना शुरू किया. और बिसारिया जी ने कुछ ही दिनों के बाद मुझसे कहा कि तुम सिर्फ हिस्सा क्यों ले रही हो, तुम अपना स्क्रिप्ट क्यों नहीं खुद लिखती और उस तरह से क्यों नहीं पार्टिसिपेट करती. बिसारिया जी, मैंने तो स्कूल के बाद हिंदी लिखी नहीं है, मैं लिख ही नहीं पाऊंगी. और उनका जो इंस्पिरेशन और जो प्रोत्साहन था, उसकी वजह से मैंने ये करना शुरू किया. हर रात को मैं बैठ कर अपनी स्क्रिप्ट बोली लिखती थी और उनको अगले दिन दिखाती थी. और कुछ ही दिनों में हर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने लगी, करंट अफेयर्स में भी मैं अपनी स्क्रिप्ट लिखने लगी. तो उन्होंने सचमुच मुझे इतना दी और आत्मविश्वास पैदा किया अपनी एनकरेजमेंट से. इसके बाद दिल्ली में भी मैंने उनकी जो संस्था था, उन्होंने उसकी संस्था के लिए उन्होंने एक प्रस्तुति लिखी थी, काव्य परंपरा, विच वॉज ऑन द एवोल्यूशन ऑफ इंडियन पोएट्री. उसका मंचन हम लोगों ने किया और मैं उसमें मैंने भूमिका निभाई थी कविता की. मैं ही सूत्रधार थी जो कहानी को आगे बढ़ाती थी. और इसका हमने सबसे पहले मंचन प्रधानमंत्री के निवास में किया था. उसके बाद स्ट्री फोर्ट ऑडिटोरियम और बहुत जगह हुआ और बहुत सराहाया गया. तो मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं हमेशा बिसारिया जी को बहुत मिस करूंगी. मैंने हमेशा उनको अपने पिता स्वरूप माना, उनको अपना गुरु माना और बहुत बहुत मेरे दिल में उनकी इज्जत थी और हमेशा बरकरार है. शुक्रिया. ये थी गजल अमीन. Let's go to Yavar Abbasi. उसके बाद हम जो है रमा पांडे का संदेश सुनाने की कोशिश करेंगे. जी यावर भाई, यदि आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, यावर भाई बहुत खुशी की बात है कि आप इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं और आप हम सब के लिए प्रेरणा के स्रोत रहे हैं. आप 100 वर्ष की उम्र पार कर चुके हैं और अब भी इतने एक्टिव हैं, सक्रिय हैं. हम सब आपकी तरफ देखते हैं उम्मीद की नजरों से. यावर साहब, बिसारे जी को कैसे याद करेंगे आप? देखिए, मेरी बिल्कुल मामूल से हट के बात होगी क्योंकि मैं रेगुलर तो था नहीं बीबीसी में. मैं एज ए कैजुअल काम कर रहा था तो कभी कभी आता था, लेकिन थर्सडे को मैं ज़रूर आता था क्योंकि बीबीसी के मैं जहाँ और बहुत सी कार्रवाइयाँ थी और बहुत से काम थे. एक हमारे उर्दू हिंदी सर्विस में एक सेक्शन और था जिसको थर्सडे क्लब कहा जाता था. ये हमारे उनका कायम किया हुआ था. मैं नाम भूल जाता हूँ, बड़े सीनियर थे हम सबसे और हिंदी के हेड भी रहे थे इनसे पहले. क्या नाम था बताइए आप लोग? मार्क डॉट पुरुषोत्तम लाल भावा. हाँ, पुरुषोत्तम लाल भावा. जी पुरुषोत्तम लाल भावा, वो उन्होंने काम किया था थर्सडे क्लब और उसके बड़े बड़े नामवर लोग उसके मेंबर थे. हमारे वकार अहमद साहब भी थे, कभी कभी सईद जाफरी भी आ जाते थे और शायद ये परवेज भी आया करते थे. मैं परवेज को परवेज का मैंने यूँ भी तस्करा किया कि परवेज भी हारते थे, इसलिए कि परवेज का भी हाफिजा इतना अच्छा नहीं है और मेरा भी हाफिजा इतना अच्छा नहीं है. लेकिन बिसारिया साहब का हाफिजा बड़ा जबरदस्त था. उनको मालूम था कि अगर दो गड्डियां हैं तो सिर्फ दो हुक्म के बादशाह होंगे और अगर तीन गड्डियां हैं तो तीन हुक्म के बादशाह होंगे. एक निकल गया है, अभी दो बाकी हैं. अभी यावर साहब ने एक हुक्म का बादशाह डिस्कार्ड किया तो अब एक ही रह गया है. तो हमको ये सब याद नहीं रहता था. अब परवेज ने भी अभी कहा कि जुमा चार दिन की हमारे पे, जो देखिए उनको हिसाब नहीं याद रहता भाई. जुमा आठ दिन होते हैं परवेज, जुमा चार दिन नहीं होते हैं. तो हम भी ऐसी गलतियां करते थे.
लेकिन बिसारिया साहब ऐसी गलतियां कभी नहीं करते थे। और हम हमारे ये भी बैठे हुए हैं भारतेंदु भूमि में भी, वो भी शरीक हुआ करते थे, भूल गए आप। लेकिन कभी किसी ने बिसारिया साहब को हारते नहीं देखा। हम सब लोग कभी कभी जीत जाते थे, लेकिन जब बिसारिया साहब होते थे तो सिर्फ बिसारिया साहब जीतते थे। हम सब लोग खासे मजाक में उनसे खासे परेशान रहते थे। तो एक मरतबा वो मैं हिंदुस्तान गया हुआ था, जब बीबीसी छोड़ के वापस हिंदुस्तान गए थे, मैं हिंदुस्तान गया हुआ था, तो वहाँ पर कि उनका टेलीफोन आया, उनको पता चला कि मैं हमेशा अपने दोस्त उनके साथ जो क्या नाम था अपने नाम ऐसे हैं कि मैं नाम भूल जाता हूँ। बहरहाल यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के जो चेयरमैन थे, क्या नाम था पंडित जी, भट्ट साहब जी, सतीश चंद्र, हाँ क्यों साहब, सतीश चंद्र का नाम मैं क्यों भूल गया बताइए। मैं बहरहाल मैंने सतीश के साथ मैं ठहरा करता था। सतीश मेरे क्लास फेलो थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ उनका टेलीफोन आया हमारे राजनारायण बसारिया साहब का, कि यावर साहब क्या हाल है। अरे मैंने कहा आपको कैसे पता चला, कह रहे हम सब पता कर लेते हैं, कहिए क्या ख्याल है, एक बैठक हुआ हो जाए यहाँ पर। अरे मैंने कहा बिसारिया साहब मैं ज्यादा पैसे लेके नहीं आया हूँ, इसमें थोड़ा मेरे पास थोड़ा पैसे कम है। तो कह रहे नहीं 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 ताश नहीं खेलेंगे, क्यों ही मुलाकात करेंगे। तो खैर हमारी मुलाकात हुई उनसे, और हम उस दिन हार के नहीं बल्कि बहुत कुछ उनसे सीख करके और बहुत कुछ जीत करके उठे जी। धन्यवाद यावर साहब, बड़ा अच्छा लगा आपकी रोचक बातें सुन करके। और अभी मैं शिव को बुलाता हूँ। शिवकांत माफ कीजिएगा कि मैं तो ये मान के चल रहा था कार्यक्रम के अंत में आप समापन में आप बोलेंगे, लेकिन आपकी यादें बिसारिया जी के बारे में। विजय भाई माफी कोई जरूरत ही नहीं है, मैं तो वैसे भी सेक्शन में सबसे छोटा था। जब मैं आया बिसारिया जी और मुझ में उम्र का कोई करीब 28-30 साल का वक्फा है, तो मतलब मैंने जीवन में हालांकि मैं नौसिखिया था ऐसा अवसर नहीं देखा कि जो ठीक है वो दूरदर्शन में और आकाशवाणी में इतने साल अफसरी करके आए थे, लेकिन उनके स्वभाव में उनके अंदाज में जो है वो गंभीरता थी, लेकिन जो नई चीज़ें करने की उनकी जो ललक थी वो बिल्कुल बच्चों वाली थी। मन भी ऐसा लगता था कभी कभी कि बच्चों वाला है, कुछ भी करने के लिए तैयार रहते थे। जैसे परवेज ने बताया कि पार्टी कराने की बात हो, मंच के आयोजन करने की बात हो, किसी आयोजन करने की बात हो, प्रोग्राम भी वो बिल्कुल इसी तरह से करते थे। हैरत मुझे इस बात की होती थी कि हमारे हाथ पांव फूले रहते थे, क्योंकि भाई खबरों का जो है वो सारा खबरों की दुनिया ही ऐसी है, चीज़ें बदलती रहती हैं, कैसे पूरा करेंगे। लास्ट टाइम तक लिखते रहते थे, उनके बगल में ओंकार जी बैठते थे, ओंकार जी भी तनाव में रहते थे, लेकिन बिसारिया जी को मैंने कभी तनाव में नहीं देखा। जैसे नई चीज़ों करने की बात आई, जानवरों का बाड़ा का जिक्र आया बार बार, एक और मेरे ख्याल से कार्यक्रम उन्होंने किया था कैद आवाजें, उनको जो है वो ये नए नए जो आइडियाज हैं वो कहाँ से आते थे, ऐसा लगता नहीं था बैठ करके सोच रहे हैं या कुछ गंभीरता से मनन कर रहे हैं या कोई बहुत जो है हाथ पांव फूले हुए हैं तेजी से काम कर रहे हैं, जैसे हम लोग घसीटते रहते थे, बड़े आराम से बैठे रहते थे और पता नहीं कब कहाँ से लिख लाते थे। उनके कागज भी कभी लिखे हुए दिखाई नहीं देते थे। मुझे ये सारी चीजें जो है सुन के, उनकी एक कविता है कुछ देह कुछ विदेह, जो उनके अंदर जो ललक थी नई नई चीजें करने की, कहना चाहिए कि वो जो है वो व्यक्तित्व उनकी शख्सियत ही प्रयोग धर्मी की थी। और ये कविता है उनकी, तृप्त जीवन के लिए अभिशाप है जिंदगी तब तक कि जब तक देह है, देह है तब तक कि जब तक सांस है, सांस है जब तक हमारी देह में, देह में जीवित तभी तक प्यास है, तृप्ति से है प्यास मिट सकती नहीं, प्यास का अस्तित्व अपने आप है,
तृप्त जीवन के लिए अभिशाप है। कुछ देह कुछ विदेह उनका एक संग्रह है, उसकी पंक्तियां हैं, ये लंबी कविता है वैसे। तो ये इसमें उनके जीवन का सारा दर्शन एक तरह से छिपा हुआ है कि वो कुछ भी करके संतुष्ट नहीं, मतलब उनके, हम कई बार, मैं कई बार सोचता था कि इस उम्र के इस पड़ाव पे आकर के कुछ हर वक्त कुछ नया करना, कोई नया आइडिया लेकर के आना, ये सब इनको कैसे सूझता है, लेकिन सूझता था। एक हमारे पुराने सहयोगी थे तमिल के, शंकर मूर्ति साहब, तो आमतौर पे क्लब में शंकर मूर्ति और वो कभी कभी बियर पे साथ भी जाते थे, वो दिन में भी चले जाते थे बियर के लिए नीचे क्लब में। तो शंकर मूर्ति को गीता का बड़ा चस्का चढ़ गया था, वो आकर के मुझसे पूछा करते थे कि इस श्लोक का अर्थ बता दो, उसका बता दो, ये कर दो, वो कर दो। एक दिन उन्होंने आके पूछा कि मुझे कोई एक ऐसा श्लोक बताओ गीता का जो आपको सबसे अच्छा लगता हो, और जो मतलब ये है कि वो जिसमें जीवन दर्शन का निचोड़। तो मुझे याद है मैंने उनको 12वें अध्याय का 15वां श्लोक है एक, यस्मान नो द्विजते लोको लोकान नो द्विजते च यह हर्षामर्ष भयोद्वेग ही मुक्तो यह समय प्रिय। तो सुना शंकर ने, पूछा इसका मतलब क्या है। मैंने कहा इसका मतलब ये है कि, उससे तो मैं आधी हिंदी आधी अंग्रेजी में बात करता, थोड़ी थोड़ी हिंदी भी शंकर समझ लेते थे। यस्मान नो द्विजते लोको, मतलब दूसरे लोग जिससे परेशान ना हो, जिसके आचरण से, जिसकी उपस्थिति से, और जो दूसरे लोगों से कभी परेशान ना हो, जिसको अपनी खुशी पर, अपनी जलन पर, अपने डर पर और अपने उद्वेग पर काबू रखना आता हो, ऐसा इंसान भगवान ने कहा कि मुझे सबसे प्यारा है। सुना उनको बड़ा अच्छा लगा, और फिर पूछा कि ऐसा इंसान कोई है अपने आसपास। तो मेरे ख्याल से हम बात करते करते कैलाश जी के कमरे के सामने से वो प्रिंटर वाले कमरे तक आ गए थे, जिसमें एक कंप्यूटर रहता था और एक प्रिंटर लगा रहता था, सब लोग वहीं आते थे अपने डिस्पैच वगैरह प्रिंट करने के लिए। और वहीं सामने कमरे में बिसारिया जी बैठे, पता नहीं क्या बात कर रहे थे ओंकार जी से। तो मेरे और तो कुछ सूझा नहीं, मैंने कहा देखिए वो व्यक्ति ये है। तो सच में अगर किसी के व्यक्तित्व पे ये बातें खरी उतरती थी तो उनके ऊपर खरी उतरती थी। उनको मैंने कभी नाराज होते नहीं देखा। फ्लफ कर लो आप तो उनके चेहरे पे शिकन नहीं, बल्कि जब ज्यादा उनको एम्बेरसमेंट होता होगा, झुंझलाट होती होगी, तो हंस देते थे मुंह थोड़ा खोल के, और ये उनकी अदा थी। एक मैं किस्सा बताता हूँ। बात चली थी एक्सपेरिमेंट करने की, तो और विजय भाई ने बताया कि उनको जो है लोगों को मनाना आता था। तो उसी संदर्भ में मेरा ये किस्सा है। आमतौर पे यहाँ जब बीबीसी में लोग आते थे, अपनी पुरानी छोटी मोटी खटारा कारें ले लेते थे, क्योंकि कार चलाना आता था तब भी यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस लेना पड़ता था। लेकिन मैंने जो है जिंदगी में साइकिल के सिवा कुछ चलाया नहीं था। मेरे ख्याल से 1992 की या 1993 की बात होगी। तो हमारे घर आए हुए थे और एक छोटी मोटी गैदरिंग चल रही थी, बाकी लोग भी आए हुए थे बीबीसी के सहयोगी। तो पता नहीं किस बात पे बात चली, उन्होंने ऐसे पूछ लिया कि तुम्हें जो है वो ड्राइविंग नहीं आती। मैंने कहा मुझे नहीं आती। अरे इसमें कौन सी बात है। मैंने कहा देखिए ऐसा है कि मैंने बड़े बड़े किस्से सुने हैं, यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस मिलता नहीं है और मेरी हिम्मत नहीं होती जाने की। नहीं 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 नहीं, नहीं ये तो कोई बात नहीं हुई। अच्छा चलो मैं अभी आपको ड्राइविंग सिखाता हूँ। अब उनके पास बाकी सब लोग, तो मैंने बताया ना छोटी मोटी कोई पुरानी कार ऐसी कार लेते थे, वो तो बिल्कुल शाही तबीयत के इंसान थे। तो उन्होंने एक पुरानी सी मेरे ख्याल से उसकी मर्सिडीज ले रखी थी, BMW थी, हाँ बड़ी कार थी। तो BMW थी उनकी, बाहर घर के उन्होंने पार्क कर रखी थी और वो ऑटोमेटिक थी। तो किसी तरह से मुझे खींच के ले आए डरते डराते को, और कहा मैं आज तुमको अभी सिखा देता हूँ, और बिठा दिया मुझे स्टीयरिंग पे और खुद
दूसरे तरफ जाके बैठ गए, थोड़ा मुझे बताया कि ये जो है इसमें कुछ नहीं होता है, ऑटोमेटिक है, ये अपना एक्सेलेरेटर है, एक्सेलेरेटर है और ये ब्रेक है, और बस अपना एक्सेलेरेटर दबाओ और जो है ऐसा लगे कि इधर उधर जा रही है तो ब्रेक दबा देना, ठीक है। उन्होंने अपना इग्निशन स्टार्ट कर दिया उसको, और सड़क हमारी ऐसी है कि सड़क के दोनों तरफ, हमारी तरफ जैसे एक गाड़ियां इधर खड़ी रहती है, उस तरफ गाड़ी है, तो पड़ोसी जो है सामने वाला, उसकी होंडा एकॉर्ड नई एकदम चमचमाती हुई वो सामने खड़ी थी, तो उन्होंने कहा ठीक है शुरू हो जाओ। तो मैंने, अच्छा वो हैंड ब्रेक लगा हुआ था, तो हैंड बताया तो था कि पहले हैंड ब्रेक डाउन करना, लेकिन हैंड ब्रेक मैं तो भूल गया तनाव के मारे कि मैंने कभी कुछ चलाया नहीं। मोटर नाम की चीज सिवा गार्डन में लॉन मोवर के या किचन में जो अप्लायंसेस होते हैं उसके अलावा मैंने कभी मोटर कोई चलाई नहीं। तो साहब एक्सीलरेटर दबाया वो चली नहीं, तो उसके बाद ब्रेक दबाया तब भी कुछ नहीं हुआ, फिर से एक्सीलरेटर दबाया और फिर मुझे याद आया कि ये तो हैंड ब्रेक तो निकाला ही नहीं है, उसको हैंड ब्रेक को नीचे किया और गाड़ी जो है ऑलमोस्ट जंप करके वो लेफ्ट की तरफ गई और जाके सीधा वो जो पड़ोसी की हुंडा चमचमाती एकॉर्ड थी उससे जाके टकरा गई। तो अच्छा, टकराने के बाद अब देखें प्रत्युत्पन्न मतित्व, एक बार तो बिसारे जी के चेहरे पे हवाइयां उड़ी, लेकिन उसके बाद वही मुस्कान उनकी लौटी, उन्होंने तुरंत मुझसे कहा बाहर निकलो। मैंने सोचा पता नहीं क्यों कह रहे हैं, तो दरवाजा खोला मैं बाहर निकल आया, बस गाड़ी लगी थी, ज्यादा गंभीर एक्सीडेंट नहीं था, और खुद उतर के और स्टीयरिंग पे खुद बैठे और मुझसे कहा कि अब तुम साइड में बैठ जाओ। बाद में मुझे बात समझ में आई, क्योंकि वो जो धमाका हुआ तो थोड़ी देर 4-5 मिनट लगे, पड़ोसी बाहर आया निकल के देखने के लिए कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा देखिए, उन्होंने पड़ोसी से माफी मांगी और कहा कोई बात नहीं, गाड़ी में एक्सीलरेटर फंस गया था, कुछ गड़बड़ है तो इस वजह से एक्सीडेंट हो गया, मैं आपको इंश्योरेंस का नंबर देता हूँ, आप उसे क्लेम कर लीजिए। तो बात आई गई हो गई, वापस लाए गाड़ी को, वहां पार्क किया और मुझे अंदर लाए। लेकिन उसके बाद मैं, मेरी हालत इतनी बुरी थी, मैंने उनसे माफी मांगी, कहा कि आपका तो इंश्योरेंस का बिल बढ़ जाएगा, आपका नो क्लेम बोनस चला गया, लेकिन उनके चेहरे पे शिकन, वो हंसते रहे बराबर। उन्होंने कहा कुछ नहीं, बस तुमने गाड़ी चलाना सीख लिया, इसके बाद तुम्हें कम से कम स्टीयरिंग के पीछे बैठने में डर नहीं लगेगा। तो मेरा उद्देश्य पूरा हो गया, और उनकी बात बिल्कुल सही थी। उसके बाद मैंने गांठ बांधी कि मैं अब कार चलाना सीखूंगा, और 6 महीने के भीतर मैंने लाइसेंस लिया, और एक खटारा जो है वो विमल भाई ने दिलाई थी, फोर्ड थी वो काले रंग की, उसको वहां फेल्थम से, शायद हौसलों से खरीदी थी, वहां से खुद अकेले दम पे लेके आया अपने घर, हम लोग पामस ग्रीन में रहते थे। तो उनकी जो मनाने की शक्ति थी, किसी भी चीज के लिए किसी भी बेवकूफ को वो तैयार कर सकते थे, उस शक्ति का जवाब नहीं। वो एक अच्छे प्रसारक थे, हमने बहुत सी बातें सुनी उनकी सृजनशीलता के बारे में, लेकिन उनकी जो शालीनता थी और वो जो उनकी विनम्रता थी, हमेशा परवेज ने बताया कि वो परवेज भाई कहते थे मुझे, उन्होंने कभी पहले ही दिन से, पहला जो वाक्य उनका संबोधन था वो शिवजी था, उसके बाद मेरा नाम शिवजी पक गया, हर कोई शिवजी कहता था, और उन्होंने कभी मुझे शिव नहीं कहा, शिवजी ही कहा। तो विनम्रता की तो ये बात है। उनकी कविताओं में, उनकी रचनाओं में उनकी दूरगामी दृष्टि दिखाई देती है। सारी कविताएं, कुछ कविताएं हैं जो विनोद प्रेमी हैं, कुछ कविताएं जीवन के बारे में हैं, कुछ कविताएं ललक के बारे में, लेकिन उनकी कुछ देह का जो दूसरा जो संग्रह आया था उसकी कुछ कविताएं हैं बाद की, जो जिनमें पूरा जीवन दर्शन है, जिनमें भविष्य की दृष्टि है। उसकी दो पंक्तियां, समय की रोशनी है कविता, उसकी दो पंक्तियां मैं सुना करके समाप्त करना चाहूंगा। आज जो है आज है, आज जो है आज है, बदलाव कल होगा जरूर, फर्क हम समझें हमें भगवान दे इतना शऊर।
विसारिया जी को बहुत बहुत श्रद्धांजलि, और ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे, और जहां भी हो इसी शाही अंदाज में रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, दूसरों को खुश रखें और खुश रहें। धन्यवाद शिव, और बहुत यादें हैं कहाँ तक सुनाए हम। उसी कार का किस्सा ये है, जब भी पार्टियां होती थी बुश हाउस में, क्योंकि कार तो उनके पास थी, हम सब लोग तो नए लोग थे, तो वो हमेशा लिफ्ट दिया करते थे। एक बार उन्होंने मुझे बुश हाउस जाने के लिए लिफ्ट दी, और रेनू और शायद ममता जी भी उस कार में बैठी हुई थी। तो मैंने कहा बिसारिया जी आगे आप बुश हाउस देखिए, वो सामने है बुश हाउस, आप मुझे यही उतार दीजिए, मुझे दिखाई पड़ रहा है बुश हाउस। तो उन्होंने कहा विजय भाई आपको तो बुश हाउस दिखाई पड़ रहा है, लेकिन मुझे सामने वो पुलिस वाला दिखाई पड़ रहा है, ये वहाँ पुलिस की वैन खड़ी हुई थी, और यदि वो वहाँ रोकते तो उनको फाइन हो सकता था, तो इसलिए वो मुझे बुश हाउस से आगे लगे काफी आधा किलोमीटर आगे जाके वहाँ कहीं उन्होंने उतारा, और फिर वहां से चल के रात को 12 बजे मैं बुश हाउस पहुंचा आधी रात को। तो बहुत रोचक यादें हैं। तो मैं बुलाना चाहूंगा बिसारिया जी के परिवार के सदस्यों को, पहले उनके पुत्र संचय बिसारिया। संचय जब यहाँ लंदन में, बिसारिया जी बहुत छोटे से होते थे, स्कूल जाते थे, जाते विद्यालय या कॉलेज जाते थे। तो संचय जी आप सबको नमस्कार एंड गुड इवनिंग। आप लोगों ने इतनी सारी सब बातें जो अभी की हैं हम लोगों के सामने, सब यादें एकदम ताजा हो गई हैं, और आप सबका आभार प्रकट करते हैं हम सब लोग। अभी समीर दादा भी आए, आप उनको बुलाएंगे, वो भी इसमें शामिल है आज के श्रद्धांजलि में। और एक एक चीज आंखों के सामने से, सो मेनी मेमोरीज कि मैं कुछ मतलब मैं कुछ कहना भी चाहूं तो वो सब ऑलरेडी आप सब लोगों ने कह दिया है, बट मैं यही बोल सकता हूं कि मेरा लंदन का वीजा नहीं हुआ था, मैं 21 साल का हो गया था 83 में, और तो 82 में शायद अप्लाई किया था, तो किसी लॉयर के थ्रू पापा ने वहां पे होम ऑफिस में इसके खिलाफ ये एक अर्जी दाखिल की कि भाई इनको मौका दिया जाए। मेरे जो बड़े ब्रदर हैं संजीव, उनका भी वीजा रिजेक्ट हो गया था, मेरा भी इनिशियली वीजा रिजेक्ट हो गया था, और तो संजीव दादा संजीव भाई का तो नहीं हो पाया, क्योंकि उनकी शायद उम्र 21 से ज्यादा थी, 25-26 थी या और ज्यादा थी। लेकिन जो ज्यूरी ने डिसीजन लिया उसमें उन्होंने बोला कि जो सबसे छोटे वाले हैं उनकी, क्योंकि अभी उम्र है, पढ़ाई कर सकते हैं और आगे, तो इनको वीजा दे दिया जाए। तो उसमें मम्मी पापा दोनों कोर्ट में गए थे, और ये शायद आप लोगों को मालूम हो नहीं हो, बट होम ऑफिस की जो जो केस था वो लोग हार गए, और मुझे फिर इस प्रति एक लंदन आने का मौका मिला। तो मैंने अपने पढ़ाई के बीच में ही था, मैं बीकॉम के दिल्ली यूनिवर्सिटी के, और आखिरी साल मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस से किया, बट ये मैंने मैंने बीकॉम खत्म कर ली थी, और फिर मैंने 85 में मैं आ पाया, 2 साल बाद। तो संजीव और संजीव दादा और मैं, हम लोग दिल्ली में अपने ताऊ जी के पास रहे 2 साल। 85 में मुझे मौका मिला, तो बकायदा एक केस जीतने के बाद मुझे लंदन आने का मौका मिला, मैं बहुत एक्साइटेड था। और ये जो भी मैंने लंदन में पढ़ाई करी और जो भी पापा से सीखा, उसी की बदौलत मैं आज जहाँ पे भी इस अपने मुकाम पे पहुंचा हूँ लाइफ में, और अभी और आगे भी जाना है। और जो आप लोगों की सब बातें सुनी है पापा के बारे में, उससे हमें फखर होता है, वी आर प्राउड टू नो दैट वी आर हिज चिल्ड्रन, हिज सन्स। तो हमें उनकी जो बातें सीखने को मिली हैं, आप लोगों से सुनने को मिली हैं, उनको और आगे लेके जाना है। और बस मैं ये बोलूँगा कि जो भी मैं कुछ हूँ, अपने पिताजी अपने पापा की वजह से ही हूँ, और मेरी जो मम्मी है जिनको हम जो कि दिल्ली में है अभी, वो सुन रही हैं, मेरी उनसे बात हुई थी सुबह, वो अभी
कुछ शायद नहीं बोल पाए, लेकिन समीर दादा जरूर बात करेंगे उसके बारे में। मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूँ कि आपने सब यादें ताज़ा करी और इतनी अच्छी और इतनी अच्छी यादें और कुछ सीख देने वाली यादें हम लोगों के साथ, हम सबके साथ शेयर करी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। धन्यवाद संचय। और अब मैं समीर बिसारिया, जो बिसारे जी के बड़े बेटे हैं और भारतीय सेना के पूर्व अधिकारी भी हैं, समीर बिसारिया। मैं मम्मी की तरफ से सबसे पहले बोलूंगा। जिस पापा इनको पुष्पा जी बोलते थे, गुस्से में बोले या वैसे बोले, पर पुष्पा जी जरूर बोलते थे। आज आप लोगों को सुन के ऐसा लग रहा है कि हम लोग घर में बैठे हैं और आप सब हमारे ड्राइंग रूम में बैठे हैं और हम लोग पापा की मौजूदगी में बात कर रहे हैं। पापा को आप लोगों को मिलके बहुत ही खुशी होती, पर हमें इस बात का दुख नहीं है कि वो चले गए हैं। हमें इस बात की खुशी है कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपनी मर्जी से जी है, अपनी शर्तों पे जी और खुशी से जी। जैसा विमल भाई ने बताया कि पापा ड्राइविंग विमल भाई को सिखा रहे थे, सॉरी शिव जी को जैसे बताया, सॉरी विमल भाई नहीं, शिव जी को जैसे बताया। मैं एक चीज अभी, मैं मेरे ख्याल में 84 या 85 में लंदन जब गया था तो उस टाइम पे पापा का पांचवां टेस्ट था लाइसेंस का। पांच बारी रिजेक्ट हो चुके थे वो, मेरे ख्याल में वो छठी या सातवीं बारी में ही उनका लाइसेंस थ्रू हुआ था। तो शिव जी का कहना सही था, लाइसेंस काफी दिक्कत से मिलता था। एक बारी मैं उनके टेस्ट में गाड़ी में पीछे बैठा हुआ था तो राउंड अबाउट पे जो मुझे, मैं सीख गया कि राउंड अबाउट पे क्या रूल्स है लंदन में, तो पापा शायद उस टाइम पे भी नहीं समझे थे कि अगर राउंड अबाउट में कोई गाड़ी हो तो आप अपनी गाड़ी उसके अंदर नहीं घुसा सकते। पापा ने गाड़ी घुसा दी। उस टाइम पे इंस्ट्रक्टर बहुत नाराज हुए उनसे कि आप क्या करते हैं, मैं आपको इतनी बारी सिखाया है, पर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम उनने अपना रिजेक्ट होके आ गए। तो इसलिए पापा कोशिश करने की जो उनकी आदत थी, क्या उम्र कुछ भी हो, वो उस टाइम पे 55 के हो रहे थे, बट हर एक चीज सीखना, हर एक चीज अपने तरीके से करना, वो उनकी खासियत थी। यावर अब्बास साहब ने बताया कि पापा को ताश का बहुत शौक था। पापा ने एक किताब लिखी है जो कि अभी पब्लिश नहीं हो पाई है, जो कि मेगा, जो कि संजीव की बेटी है, वो उनकी मदद कर रही थी लिखने में पिछले 3-4 महीने से। वो तकरीबन जनवरी के पहले हफ्ते में कंप्लीट होकर पब्लिश के पास चली गई। उसके बाद पापा का पुराना शौक ब्रिज का वापस आ गया और तकरीबन 4-6 घंटे रोज वो ब्रिज खेल रहे थे, जब तक कि वो तकरीबन 10 तारीख को हॉस्पिटल गए। तब तक उनका ब्रिज का शौक लगातार चलता रहा। जहां इंसानियत की बात है, जहां ह्यूमिलिटी की बात है, जहां पे दूसरों की हौसला अफजाई की बात है, पापा ने अपने बारे में कभी नहीं सोचा, दूसरे के बारे में पहले सोचा। उनके बारे में आप कैसे हैं, आपकी तबीयत कैसी है, के बारे में उनने ज्यादा फिक्र की। अपने बारे में जब भी उनसे पूछा कि आप कैसे हैं, तो पापा ने हर वक्त बोला मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। पापा 17 तारीख को दिल का दौरा पड़ने से अचानक चले गए। 17 तारीख की सुबह संजीव और मेगा उनको मिलने जब गए थे आईसीयू में, पापा पूरे एक्टिव थे, बिल्कुल उनका दिमाग पूरा चल रहा था। उन्होंने मेगा को
किताब का जो पहला पन्ना है उसमें कौन सा कलर है उनको जो पसंद नहीं आया उसके बारे में बताया। इसको पब्लिशर को ये बोलो, पब्लिशर को कहो कि ये चेंज करे, सब कुछ उसको ब्रीफ किया, काकू को पूरा बताया और बोला कि डॉक्टर ने मुझे कल रूम में जाने को बोला है पर मैं रूम में नहीं जाना चाहता, मैं घर जाना चाहता हूँ। उनको हॉस्पिटल से थोड़ी कोफ्त होने लगी थी, हॉस्पिटल उनको पसंद नहीं आते थे, जाना बिल्कुल जाना नहीं चाहते थे। जब बीमार थे तब भी मना कर रहे थे कि मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा। एनीवे पापा ने जो जिंदगी जी, और ये मैं आज दावे से बोल सकता हूं कि पापा की जो 10 साल की नौकरी थी जो कि बीबीसी में की उनने, वो शायद उनके पूरे नौकरी काल जो कि तकरीबन 40 साल के करीब था, पापा ने 51 में शुरू किया और 92 में वापस आए, सबसे जो खुशी का जो अच्छा माहौल जो उनको मिला जहां वो अपना काम कर सके बिना किसी इंटरफेरेंस के, वो बीबीसी था। उनने ये टेन्योर बहुत एंजॉय किया और मैं आप सब लोगों का बहुत ही बहुत धन्यवादी हूं कि आप उनके कोलीग्स थे, उनका साथ दिया और आज वो जो उनने 10 साल बिताए वो आपने बिल्कुल ताजा कर दिए। मैं मम्मी की तरफ से और अपनी तरफ से आप सबका बहुत ही बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद समीर। और ये कार्यक्रम जब तक पूरा नहीं होगा जब तक कि मैं उनके खास शौक की बात ना करूं, उन्हें खाने का बहुत शौक था और पुष्पाजी जो यहाँ बैठी हैं उन्हें बनाने का बहुत शौक था। कभी भी उनके घर जाइए मुझे तो अक्सर वो चीजें, और लेकिन खास बात ही बहुत थोड़ा खाते थे वो, लेकिन किसी चीज की कोई वर्जना न होना और जीवन को खेल की तरह लेना। यदि वो 93 वर्ष की आयु में भी ब्रिज खेलने की क्षमता रखते हैं तो निसंदेह ऐसा व्यक्ति प्रेरणा का स्रोत हो सकता है हम सब के लिए। आइए हम सब भी ये उम्मीद करें जब हम 93 साल के होंगे हम भी कुछ ना कुछ खेल खेल रहे होंगे जिंदगी में। तो इन्हीं शब्दों के साथ बिसारिया जी के प्रेरणादायक व्यक्तित्व से प्रेरणा लेते हुए मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।